हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। और आज मैं बना रही हूँ राज कचौड़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप मैदा ली है, 1/4 कप सूजी ली है और 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कचौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैं मैदा को, सूजी और बेकिंग पाउडर को ऐड करूँगी। इसे मिक्स करूँगी, पानी की सहायता से एक डो प्रिपेयर करूँगी। डो को ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है। अभी डो लग गया है, अब मैं इसको ढककर कम से कम 20-25 मिनट के लिए रख दूँगी। 20-25 मिनट बाद अब मैं इस डो से छोटी छोटी लोई बनाऊँगी। जितनी बड़ी आपको राज कचौड़ी चाहिए आप उतनी बड़ी लोई ले सकते हैं। लोई को बिल्कुल एक सार करना है और एकदम चिकना करना है। अब लोई को थोड़ा सा सूखी मैदा में डस्ट करेंगे और बेलन से इसको जैसे हम पूरी बेलते हैं वैसे ही बेलेंगे। ध्यान रहे ये सब तरफ से गोल बने और ये हर तरफ से एक सार बेलनी चाहिए। ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है आपको और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। ये हमारी बनके तैयार है। यह मैंने कढ़ाई में ऑयल पहले से ही गरम करने रखा था। देख लेते हैं, ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें अपनी कचौड़ी ऐड करेंगे और धीरे धीरे ऊपर से इस तरीके से गरम तेल डालते हुए कचौड़ी को फूलने देंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, फिर से गरम तेल डालेंगे और देखिए परफेक्टली कचौड़ी जो है हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है। पलट के भी सेक लेंगे इसको। इसे मैं बाहर ले रही हूँ। अब मैं अपनी दूसरी कचौड़ी बनाऊँगी, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। गरम तेल डालेंगे इसके ऊपर, दूसरी तरफ से पलट के भी सेक लेंगे। ये भी तैयार हो गई है, अब इसे भी मैं बाहर ले लूँगी। यहाँ मैंने कचौड़ी में भरने के लिए पापड़ी ली हैं, अनार, कटा हुआ प्याज, कसी हुई गाजर, उबले हुए चने, लोबिया उबला हुआ, हरा धनिया, हरी मिर्च, हरी चटनी, मीठी चटनी, दही और 0 नंबर की नमकीन ली है। तो स्टार्ट करते हैं असेंबल करना। हमारी कचौड़ी पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। अब मैं सबसे पहले इसमें उबले हुए चने डालूँगी। आप चाहें तो यहाँ उबला हुआ आलू भी यूज़ कर सकते हैं, दाल की बड़ी आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो चाहें आप मतलब इसमें भर सकते हैं। उबले हुए लोबिया, यहाँ आप हरे मूंग भी ऐड कर सकते हैं, कटा हुआ प्याज, पापड़ी, दही। दही में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी ऐड की है। मीठी चटनी, थोड़ी सी पुदीने की खट्टी चटनी, अब इसके ऊपर हम थोड़ा हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। कसी हुई गाजर, थोड़े से अनार के दाने, आप चाहें तो थोड़ी सी कसी हुई मूली भी इस पे ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
नमकीन, थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करा है, और लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला। राज कचौड़ी तैयार हो गई हैं। ये चाट के आइटम में बहुत फेमस है, लोग बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।